हूँ आपके साथ सेजल, इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ निकाला काफिला। तिहाड़ कला और खुर्द के किसानों ने गोहाना रोड मोहल्ला से लेकर दिल्ली कुंज सिद्धू बॉर्डर तक ये मार्च निकाला। आपको बता दें, भारतीय किसान पंचायत हरियाणा के प्रधान वजीर दहिया जी ने बताया कि अगर मोदी जी हमारी डिमांड को नहीं मानते हैं तो हमें चाहे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, हम अपनी जान से फिर इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मोदी जी पहले भी जब सत्ता में आए थे तब भी भूमि अधिकरण बिल लाए थे, लेकिन जनता की एकता को देखते हुए उन्हें ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। उन्होंने हमें सोता हुआ शेर समझ लिया है, लेकिन ये शेर अब जाग चुका है और अब यह शेर पीछे नहीं हटेगा। हरपाल दहिया बबलू भैया जी ने कहा कि मोदी जी ने किसानों पर जो तीन काले कानून लगाए हैं उसे वापस ले, अगर वापस नहीं लिया तो हमारी यह लड़ाई 2024 तक जारी रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमें आने वाले समय में मोदी सरकार को हटाना पड़ जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं किया, 26 जनवरी की जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें ट्रैक्टर ट्राली के साथ परेड करेंगे। इस काफिले में मौजूद है पापन दहिया, लीलू रामवीर, पंडित मुकेश समेत अन्य। बुढ़ो हमारे को जान कुर्बान करने पर, हम शांति प्रिय, हमारा जबड़ा जारी रखेंगे। इस मोदी ने ये पहली प्लान में भी आधा जब भी भूमि अधिग्रहण बिल लाया था जनता के विरोध के सामने, वो भी इसने ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। और ये जनता है सुता शेर, जब ये जाग जाएगा ना किसी राजे महाराजा की कोई पावर नहीं इसके सामने रुक जाएगी। ये जनता जाग चुकी है, सुता शेर जाग चुका है, ये उल्टा नहीं हटेगा। देखिए किसानों का गुस्सा आप देख सकते हैं, कैसे किसान अपना गुस्सा बरकरार रखे हुए हैं। तो आइए मेरे साथ और कुछ भी उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हरपाल है जी, हरपाल गांव तिहाड़ कला। तो जो ये आप प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ से, जो कुछ कर रहे हैं ट्रैक्टरों का आप मार्गदर्शन करा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ जब तक मोदी सरकार को या तो कानून का बदल अपने या सरकार को हटा देंगे 2024 तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। है शांतिपुर इसे तैयारी हमारी आज भी ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद अगर मोदी हिमा जगह को लाल किले पर हर जिले से निकल रहा है आज के लिए ये मार्गदर्शन आप सुन रहे हैं, हर जिले से निकल रहा है, हर गांव से, हर गांव, कोई ऐसा गांव नहीं है जिससे प्लस भी ट्रैक्टर का स्वाधीन नहीं है, पूरे इंडिया का है। सब हर किसान, ये हर किसान के साथ नहीं, हर मजदूर वर्ग हमारे साथ। मेरा नाम हम जब तक ही नहीं हटेगा बड़े नहीं हटेंगे, जो तीन काले कानून जब तक वापस नहीं हटेंगे तब तक हमें वापस नहीं हटेंगे। काले कानून जो हैं ये कौन कौन से हमें बताइए? जो एक कृषि गायो जो लगा रखे हैं, निजीकरण है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, बर्फी गड़ी पे लड़की है,